हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कामाक्षी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उनको मेरी पेंटिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और मेरा काम कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपके सामने फोक आर्ट बनाने जा रही हूँ। इसे फोक आर्ट भी बोलते हैं और स्ट्रोक पेंटिंग भी बोला जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ हिस्सों पे फोक आर्ट का स्ट्रोक पेंटिंग का इस्तेमाल किया है और कई जगह पे शेडिंग मेथड से भी बनाया है। इसमें मैंने कई तरह के कलरों का इस्तेमाल किया है। इसमें बनाने के लिए मैंने कई तरह के कलरों का इस्तेमाल किया है। इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के बता दूंगी। इसके लिए मैंने जीरो नंबर के फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल किया है और ज़ीरो नंबर के राउंड ब्रश का इस्तेमाल किया गया है। ब्रश के बारे में भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बता दूंगी। और मैंने इस डिज़ाइन को आप कुशन कवर, टेबल क्लॉथ या बेडशीट पर भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कलर अपने हिसाब से चेंज करके भी इसको बना सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें फ्लावर और लीफ मैंने शेडिंग से बनाई है, बाकी चीज़ें स्ट्रोक पेंटिंग के हिसाब से बनाई है। फ्लावर के लिए मैंने एक फ्लावर में ब्राउन और वाइट कलर की शेडिंग दी है और एक फ्लावर में वाइट और ब्लू कलर की शेडिंग दी है। लीफ के लिए ग्रीन और येलो कलर की शेडिंग दी गई है। आपको अगर पेंटिंग पसंद आए, अच्छी लगे तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपको पेंटिंग कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।